आप सब देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन के अद्भुत कामों को लेकर सियोन टीवी चैनल के माध्यम से एक बार फिर से हम आपके सामने हैं, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इन बहन के जीवन में अद्भुत काम को किया और अपनी गवाही को लेकर हमारे साथ में। साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, लेकिन परमेश्वर के बड़े कामों को छुटलाया नहीं जा सकता। बेशक आज का इंसान, आज के साइंटिस्ट काफ़ी आगे हैं, चाहे वो स्किन सर्जरी की बात करें, कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें, तमाम वो चीज़ें, लेकिन प्रभु का हम बेहद धन्यवाद करते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने बहन के जीवन में काम किया। आइए इनसे बात करेंगे। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। क्या नाम है, कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम ज्योति है, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। ज्योति सिस्टर, हमें बताएं कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया, क्या गवाही रही है आपके जीवन की? मैं बता नहीं सकती कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से मैं काफ़ी सालों से परेशान रही हूँ। मैं तब 13-14 साल की थी जब से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। मेरी प्रॉब्लम थी कि हमेशा मुझे विंटर सीज़न में मेरे हाथ में, मेरे पाँव में स्वेलिंग आ जाती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी पिंपल्स हो जाते थे हाथ पाँव में। ना तो मैं खा पाती थी, क्योंकि मुझे था कि इन्फेक्शन मेरे अंदर ना चला जाए, और ना ही मैं किसी काम में हाथ बटा पाती थी इसके पानी वगैरह से। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन ली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं आया। फिर एक दिन मैंने जॉब ज्वाइन की जहाँ पे मेरी फ्रेंड क्रिस्टीना जॉब करती थी, उसने मुझे रेकमेंड किया कि तू ये एनाइटिंग ऑयल ले, उसको यूज़। सिस्टर जी जो साथ में बैठे हैं, आपने बताया इनको, तो आपने क्या बताया इनको कि प्रभु के बारे में, कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के जो लहू के बारे में क्या बताया आपने? जय मसीह के सर, मैंने इनको बताया था कि आप जहाँ मैं चर्च जाती हूँ, मैं आपको वहाँ से प्रेयर ऑयल ला कर दूँगी, तो आप वो लगाना, आप ठीक हो जाओगे। तो इन्होंने जो बताया, आपने विश्वास किया? जी, जब इन्होंने मेरे को बताया, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुन रखा था कि जो प्रभु यीशु हैं वो उस चीज़ को करने की सामर्थ्य रखते हैं जहाँ पे सभी साइंस, मेडिकल, कॉस्मेटिकल फेल होते हैं, वो वहाँ पे वर्क करता है। तो मैंने उसको अप्लाई किया, पूरे विश्वास के साथ अप्लाई किया। तो जब मैंने देखा कि अगली विंटर जब आई तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं डर रही थी पहले, बट मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई मुझे रैशेस नहीं आया, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल साफ़ हैं। और अब मुझे इतनी खुशी है कि सच में प्रभु की जो शक्ति है वो सच में है। परमेश्वर के आनंद को आपने महसूस किया। ये जो समस्या आप बता रहे हैं, जो आपकी स्किन इन्फेक्शन होती थी, ये प्रत्येक जो सर्दियां होती थी, हमेशा होती थी आप? जी, ये हर विंटर सीजन में ही होती थी, जब से मैं 13-14 साल की थी ये तब से हो रही थी। और काफ़ी, मान लो मुझे 12-13 साल के बाद मुझे इस प्रॉब्लम से राहत मिली है। जब आपने प्रभु का जो लहू था, जो अनॉइंटिंग ऑयल लगाया आपने, यूज़ किया, उसके बाद से कोई समस्या रही हो आपके जीवन में? नहीं, उसके बाद से मुझे हाथ पाँव को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, कोई दर्द नहीं रहा है, एक पिंपल तक नहीं मेरे को हुआ मेरे हाथ पाँव में, कोई इन्फेक्शन का कोई नामो निशान नहीं रहा। और इसी के साथ मैं अपनी दूसरी गवाही भी देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैं पार्लर में गई स्मूथनिंग के लिए, हेयर स्मूथनिंग के लिए। तो जब मैंने वहाँ पर हेयर स्मूथनिंग कराई, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल की वजह से मेरे बालों के कुछ, मेरे सर के बालों के कुछ हिस्सा था जहाँ से मेरे बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे। तो मुझे वहाँ पे किसी ने नहीं बताया। जब मैंने घर आके देखा तो जो मेरे आसपास जो मेरे नज़दीक थे, उन्होंने मुझे बताया कि तेरे यहाँ से तो खालीपन, गंजापन लग रहा है। तो इतना सा था जो स्पेस मेरे बालों का, जो साफ साफ दिख रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई कि ये कैसे हो गया। तो मतलब फिर, मतलब कि काफ़ी मैंने होम रेमेडीज़ भी अप्लाई की, यूट्यूब से देखा, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इन चीज़ों को करने के बाद फिर क्या मन में ख्याल आया कि अब ये चीज़ कर लेनी चाहिए, शायद ये काम कर जाए? फिर जब मेरे को याद आया कि जब मेरे हाथ पाँव में भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तब भी मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मेरे पास वही एनेंटिंग ऑयल पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी टाइम अपनी मम्मी को बोला, बिकॉज आई कांट सी माई डैड प्लेस इन द हैंड। सो मैंने मम्मी को बोला कि अब लगाओ। मेरी मॉम ने भी जीसस का नाम लिया, बोला परमेश्वर ये तेरी बच्ची है और इसको ये प्रॉब्लम है, इसको दूर कर। तो दो दिन में ही वो जो मैंने तेल लगाया, वहाँ पे मेरे रूट्स आ गए बालों के। तो मेरी मॉम भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया है। मम्मी ने भी परमेश्वर के अद्भुत काम को देखा कि आपके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में भी कार्य हुआ। हाँ जी, तो मैं यही चाहती हूँ, मैं परमेश्वर से यही मांग करती हूँ कि जैसे परमेश्वर आपने मेरे ही प्रॉब्लम्स को दूर किया है, ऐसे ही अपनी बाकी की बेटे बेटियों की प्रॉब्लम्स को दूर कर, और हमेशा ही ऐसे हील कर। जितने भी जहाँ पे मेडिकल साइंस फेल है, वहाँ पे आप
आपकी जो आशीष है वो वर्क करता है। ये आमीन सच में ऊंचा है जो सबकी सुनता है, सबकी इच्छाएं पूरी करता है। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और सिस्टर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अपने परमेश्वर के नाम को लोगों तक पहुंचाया। इसलिए अक्सर हम ये कहते हैं कि आप हमारी गवाहियों को अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है उस गवाही को सुन के क्या पता उनका जीवन बदल जाए। और कभी भी आप अपने जीवन में अपने आसपास में देखते हैं कि कोई व्यक्ति परेशानी में है, समस्या में है, तो उसे प्रभु यीशु मसीह का नाम बताने से न गुरेज करें। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। इस गवाही के द्वारा देखने सुनने वाले बहुत आशीष को प्राप्त करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल सियोन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सियोन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको गवाहियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और अन्य लोगों तक पहुँचाकर आप परमेश्वर के काम को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दें। जय मसीह की। धन्यवाद।